पूरा अंधेरा मेरा भाई। देख लो अभी बज रहा ठीक 7, तो नीचे नहीं दिख रहा मेरा भाई। आवाज थोड़ा सा मेरे को कम करिए। झारखंड में ढूक गए हम लोग गाइस और यहाँ पे चेकिंग हो रहा है। एक महीना से ज्यादा ही हो गया उससे मिले। क्यों भाई मैं यहाँ पे आधा घंटा से फंसा हूँ। या गन्ना का रस बना रहे हैं। और ये सब जगह पे अगर कोई आपको रोके तो रुकना नहीं, ठीक है भाई। चाय पूरा ठंडा है क्या भाई? देख लो इतना तेल आया 50 लीटर। सो गाइस अभी रात का बज रहा है 3 और मैं जा रहा हूँ कोलकाता। तो अभी देख लो लाइन में। और आज थोड़ा वेदर ठीक है क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना, आज मतलब फॉग नहीं है तो आराम से मैं गाड़ी लेके निकल जाऊँगा। कैसा फॉग रहता है उस दिन तो ब्लॉग में उतना खास आया नहीं। देखो तो देख सकते हो नीचे स्कॉर्पियो खड़ा है, ठीक से दिख नहीं रहा है। कितना कुआसा है, मतलब कितना फॉग है। देख लो अभी बज रहा है ठीक 7। देखो नीचे नहीं दिख रहा मेरा भाई। देखो कितना कुआसा जैसा लग रहा। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था जाने का, लेकिन यहाँ पे रात में बहुत फॉग हो जा रहा था, तो आज थोड़ा ठीक है, आराम से मैं निकल जाऊँगा। और अभी बज रहा है 3, तो अभी थोड़ा मोरा काम बाकी है, तो वो काम कम्प्लीट करके फिर मैं निकलता हूँ, ठीक है? तो फिर चलेंगे। तो वीडियो में बने रहो, बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। देख लो इतना ठंडा में वीडियो बना रहा हूँ मैं। चल चल चल। बूढ़े तुम्हें जा रहा हूँ, कैसा लग रहा है तुम्हें? खराब लग रहा है। खराब लग रहा है? सारा मुंह देख के तो नहीं लग रहा है। और मैं बाहर का वेदर दिखाता हूँ, कैमरा नहीं पकड़ पा रहा हूँ, बैग पैक टांगा हूँ। तो ये सब अंदर डालेंगे, ये सब अंदर डालेंगे। तो देखो आज उतना कुहासा मतलब फॉग है नहीं, आज उतना आराम से धीरे धीरे फॉग है नहीं, आराम से धीरे धीरे। तो भाई कुछ काम बाकी था, ठीक है, तो मैं तो चला जाऊँगा। ये लोग को मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये पेंट थोड़ा बचा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पेंट बाकी है। तो मैं सोचा था कि रात में 3 बजे उठ के मैं मार दूंगा, क्योंकि उस टाइम कल रात में ही मतलब पुट्टी हुआ था, तो वहाँ पे कलर मारने से पुट्टी गिर जाएगा। तो इन लोगों को बोला हूँ एक पेंटर बुला लेना, तुम लोगों को जो खर्चा लगेगा हम दे देगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये सब कचरा है, ये सबको मैं बोला हूँ यहाँ पे रखने के लिए। तो मैं बेकार में यहाँ फंसूँगा, 1 घंटा फंस जाएगा इसमें रखने में, तो मैं निकल जाता हूँ। और गाइस इतना पुट्टी भी बच गया, देखो। तो हे एवरीबॉडी, दिस इज रवि एंड यू आर वॉचिंग एडीएफ ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहा है रात का 3 और गांव में पता है इलेक्ट्रिक रहता नहीं है, तो साला यहां पे 2 बजे ही इलेक्ट्रिक कट कर देता है पता नहीं क्यों। और ये गधा लोग दोनों सोया है बेचारा, मेरे साथ बहुत रहता है, हेल्प करता है मेरा, ठीक है। कल रात भर ये लोग मतलब समझ लो 12 बजे तक काम किया, और 12 बजे मैं सोया हूँ, 3 बजे उठा हूँ। आज मैं सोलो ड्राइव करूँगा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से कोलकाता हावड़ा में, ठीक है। तो अभी अभी जब मैं आया था तो मेरा फ्रेंड मेरे साथ के साथ आया था, एग्जाम पर एग्जाम पर चला गया, चला गया ट्रेन से। और अभी मेरे को अभी यहाँ पड़ गया, ठीक है ठीक है। और देख लो अंधेरा अंधेरा सुनसान, डर भी लग रही है। और ये सुन रहा है कि बच्चा है रेडी है, ठीक है। अभी थोड़ा मोड़ा कुछ काम कर लेंगे, कुछ काम रह गया है। और आज बाइक सोलो ड्राइव करेंगे, पता है ना। तो आप लोग मेरे साथ हो, कोई मतलब टेंशन वाली क्या बात है भाई, ठीक है। चलेंगे और फिर मुझे काम है उसको क्लियर से देखते हैं, आपसे मिलता हूँ। तो भाई रेडी होते होते 4 बज गया, ठीक है। इन लोग को उठाने में मेरे को बहुत समय लग गया, ये लोग सोया था। तो अभी चलेंगे, देखते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं रहता, पावर बैंक से काम चलाना पड़ेगा। पावर बैंक कौन है ना भाई, चार्ज हो रहा है कि नहीं, अब होगा तो ठीक है। तो अभी चलते हैं फिलहाल। चलो भाई अभी चलते हैं। देखो यही सब साफ करने में मेरे को ज़्यादा समय लग गया था रात में। तो भाई मेन गेट अब बंद कर देंगे, मतलब घर का, और कुछ ऐसा माहौल है रात में। भाई सब साफ करवा दिया।
भाई अब चलते हैं घर की तरफ कोलकाता। बगाडू चा चला थिया भाई घर को टाटा करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। रास्ता में कौन मिला? बिट्टू। बिट्टू बिट्टू आया बेचारा। जा जा बिट्टू, जा घर जा। तो भाई बिट्टू आया था, बहुत खराब लग रहा है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अकेले राइड करना है। काफ़ी अंधेरा है, देख सकते हो कुहासा है। जल्दी से निकलना होगा यहाँ से। और मैं थोड़ा गांव में हूँ, अभी सीट बेल्ट नहीं लगा रहा हूँ, लगा ले रहा हूँ। तो पहले चलेंगे पेट्रोल पम्प जितना जल्दी हो सके, क्योंकि फ्यूल उतना। देख सकते हो भाई, देख लो कितना अंधेरा है, ठीक है। मतलब कोई नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा, पूरा कोई गाड़ी नहीं चल रहा, पूरा अकेला हूँ मैं। देखो तो अभी बजने वाला है 5 और मैं गाजीपुर में हूँ, ठीक है। देख लो पूरा अंधेरा मेरा भाई। और ये सब जगह पे अगर कोई आपको रोके तो रुकना नहीं, ठीक है। अंधेरा में कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है, ठीक है। रुकना नहीं है, निकल जाना है, कोई भी रुके। और मैं देख लो, मैं पूरा अकेला हूँ, सोलो हूँ, ठीक है। तो सोलो राइड कर रहा हूँ आज। तो ये सब जगह पे आपको ऐसे जाना होगा। और एक बात है, इस सब जगह में आपको पेट्रोल पम्प साला खुला नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक 6 नहीं बजेगा या 5 नहीं बजेगा तब तक पेट्रोल पम्प यहाँ खुला बंद रहता है। तो अगर आप लोग ऐसे जा रहे हो तो एक दिन या फिर उसके पहले दिन आप लोग डे वो मैंने फ्यूल अप कर लो। रात में तो बिल्कुल सोचना मत कि जाते समय भरा लेंगे, कहीं नहीं। मैं मतलब सबसे आ रहा हूँ पेट्रोल लेने के लिए, कहीं नहीं मिल रहा, सब पेट्रोल पम्प बंद रह रहा है। उन लोगों को उठा रहा हूँ, ठीक है। बोलो भैया अभी नहीं मिलेगा, 6 बजे मिलेगा, तुम चाहे कितना भी इमरजेंसी में हो भाई। तो भाई वही है, तो एक दिन पहले ले लो। तो भाई अभी आ गए हम लोग जमेनिया मोड़। यहाँ से आपको 2 रास्ता मिलेगा, जमेनिया मोड़ जो ब्रिज पे हूँ मैं, देख सकते हो, ठीक है। गाजीपुर वाला ब्रिज जो है, इससे पहले आपको एक रास्ता मिलेगा, मतलब हाईवे जाने के लिए अगर आप लोग इधर से जा रहे हो तो आपको एक पटना होकर रास्ता मिलेगा और एक जमेनिया होकर आपको हाईवे मिलेगा, ठीक है। अगर आप आजमगढ़ से जा रहे हो तो जमेनिया से एक रास्ता मिलेगा, वो शॉर्ट होगा थोड़ा, और एक पटना से होगा। दोनों ही लगभग आगे पीछे है, लेकिन पटना वाला थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा आपको, यही बात है बस। अरे पानी तो एक चाय ले ले भाई, चाय पूरा ठंडा है क्या भाई? ठीक है तो बताओ। भाई के पास आए चाय पीने, और देख लो यहाँ पे रुके हैं बिकॉज ट्रेन आएगी। हॉर्न सुन लिया भैया, जगह का नाम क्या है? जमानिया स्टेशन। जमानिया स्टेशन, तो वो भाई बड़ा अच्छे थे, ठीक है। बिकॉज मेरे यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू था, तो लेट में पेमेंट जा रहा है। बेचारा बोला कि नहीं भैया आप जाइए, कोई बात नहीं है। मतलब ऐसे आदमी भी रहते हैं यार, कोई बात नहीं। बट चाय पी के मज़ा आ गया फाइनली कहीं। मतलब चाय का दुकान था लेकिन वैसा सेफ जगह नहीं लग रहा था रुकने के लिए। यहाँ पे स्टेशन था, मतलब स्टेशन था देखे थे, तो यहाँ पे रुक गया। गाड़ी उड़ी खास आस पास में तो ही रुका था, नहीं तो नहीं रुका। और अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हाईवे भी से दूर नहीं है, और यहाँ से समथिंग होगा 50-60 होगा, तो हाईवे पकड़ेंगे फिर वहाँ से डायरेक्ट, फिर देखते हैं क्या। वक्त देखो, तेल ख़त्म होने को आ गया है, ठीक है। और 6 बजे अभी पेट्रोल पम्प खुला मिला मेरे को। बहुत हवा चल रहा है, देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ठंडा है। मतलब कुछ भी बोलो, बहुत ज़्यादा ठंडा है, देख सकते हो एकदम। मतलब बोल नहीं सकते इतना ठंडा, में साला हवा ऊपर से भाई। गांव में वो लोग किया, बच्चा लोग किया। भैया भैया पेट्रोल पंप पे एकदम ठंडी हवा। अरे जगह का नाम क्या है? ककरैत। ककरैत। तो भाई देख लो इतना तेल आया, 49 लीटर, बहुत तेल पीता ही।
तो भाई अभी गाड़ी से निकला तो पता चला कितना ठंडा है बाहर, सच बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो गई, इतना ठंडा है। और अभी फ्यूल ले लिया मैंने, तो देख सकते हो भाई, उफ, ये जब कांटा ऐसे उठता है ना तो ये गाड़ी चलाते हैं लड़का लोग के लिए एक ये बेस्ट फीलिंग है। तो जो भी है अभी चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे भाई मतलब मैं जब से आ रहा हूँ तब से यहाँ पे जो वॉक कर रहा है मिलिट्री, जो आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है, जो दौड़ रहा है यहाँ पे, जॉगिंग कर रहा है, वो लोग सबका हाथ में डंडा है, सब लोग एकदम अपना हथियार औजार अपने साथ लेके घूम रहे हैं, ठीक है, रात में कुछ भी हो सकता है। आ गए हाईवे, अब यहाँ लगभग 6:30 बजे हम लोग हाईवे के पास आ गए। तो भाई 6:30 बजे दुर्गावती से निकल चुके हैं हम लोग, मतलब खजूरा इधर ही का जगह है, लेकिन हम लोग दुर्गावती से जमीनिया गाजीपुर जाते हैं, मतलब दुर्गावती में हम लोग ये हाईवे छोड़ देते हैं। ये जो लोहा पुल दिख रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग हाईवे छोड़ देते हैं। 6:30 बज रहा है, तो भाई देख सकते हो मोहनिया टोल प्लाजा पहला टोल प्लाजा, यहाँ पे चेकिंग होता है, देख लो। यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकता तो सर पकड़े, बोले कि बिहार का नहीं बना टैक्स कटाए हो, मतलब बोले तभी तो आए यहाँ पे, बिहार का टिकट टैक्स कटाए हो, मतलब भैया कटाए तभी तो आए यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मैं रुका हूँ, ठीक है, थोड़ा रेस्ट, देख सकते हो ऐसा नज़ारा है यहाँ का, और जगह ऐसा नज़ारा भाई, वाह मज़ा आ गया, ठीक है। बस एक जन कोई रहता है, लेकिन कभी कभी सोलो भी ड्राइव करो, ठीक है, सोलो का भी मज़ा अलग है, अकेले एकदम। सिनेरियो देखो, दोनों साइड पहाड़ और बीच में सन, देखो इधर पहाड़ और इधर पहाड़, पीछे से बहुत अच्छा लग रहा था बट उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट देखो इस तरफ पहाड़ और इस तरफ पहाड़ और बीच में सन, इतना अच्छा लग रहा था। भाई देख लो नवीन नगर का ब्रिज, बहुत लंबा ब्रिज है, ये भी 3-4 किलोमीटर होगा। ये तो भाई बज गए 8:30 और हम लोग हैं देख सकते हो को, और यहाँ पे रुके चाय वाय पीने के लिए, कुछ नाश्ता वास्ता करने के लिए, देख सकते हो यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके। इतना किलोमीटर चला चुके हैं, अब आ रहे हैं हम लोग 100 काला टोल प्लाजा पे। और ये चाय बना रहे हैं, चाय देखते हैं चाय बनाए कि नहीं, देख सकते हो। तो भाई अभी चाय को टेस्ट करते हैं, सही है। और देख सकते हो यहाँ पे अभी रुका हूँ, अभी भी शायद 500-600 किलोमीटर होगा। नाश्ते में कुछ खाने लायक कुछ था नहीं यहाँ पे, ठीक है, अब रोड पे उतना खास था नहीं, ऊपर से धूला माटी उड़ रहा है, ये कुछ
प्रोटीन सा ले लिया है, ठीक है। ये भी जहरी है बट कुछ तो खाना पड़ेगा सुबह सुबह। चाय बिस्किट खाया मैंने और यहाँ पे 8:40 हो गया। रेस्ट लेते लेते अब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई थोड़ा रुक गए यहाँ पे, हवा थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा था तो हवा ले लेंगे यहाँ पे भैया के पास। भैया हवा दे दीजिएगा। तो कितना है पहले चेक करिए। 25 है। 35 करिए, 35। 40 मत करिएगा क्योंकि लोड नहीं है, अकेला हूँ, ठीक है। 40 फायदा नहीं है, 35 रखो, आराम से जाओगे। 35-38 ऐसे। 40 हो गया भैया। तो भाई जैसा कि मैं बोल रहा था, ये टायर में ज़्यादा हवा कम था, ठीक है, इसमें ज़्यादा ले लिया। इसी का मेरे को थोड़ा डाउट सा लग रहा था, बाकी सब सही है। ये वाला टायर हमेशा मतलब इसमें हवा कम हो जाता है। कितना था भैया इसमें? 20 का सब, समझ रहे हो ना, बहुत कम था। भाई लॉन्ग में जा रहे हो तो सबसे पहले टायर चेक कर लो, ठीक है। अगर बीच में कहीं रुक रहे हो तो टायर जो व्हील है उसको चेक कर लो, ज़्यादा हॉट नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो चलते रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता, बट एक बार एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप लोग चेक कर सकते हो, समझे। तो भाई एक बार रोड देख लो, मतलब ये चारों तरफ जंगल है, देखो चारों तरफ जंगल है, देखो उधर पूरा जंगल ही दिख रहा होगा, यहाँ से दिखेगा। रुको, देख रहे हो, देखो उधर पूरा जंगल। इसी जगह पे चोरी ज्यादा होता था। देखो यहाँ पर लिखा रहेगा वेलकम टू झारखंड, वेलकम टू झारखंड है ना। तो ये अभी पुलिस चेकिंग कर रही है वहाँ पे, झारखंड में ढूक गए हम लोग गाइस, और यहाँ पे चेकिंग हो रहा है। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, अरे बाबा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे झारखंड में, झारखंड का बॉर्डर पे तो क्या बोलते हैं वो लोग। तो चलो मेरा भाई, भाई हल्का हल्का डर लग रहा है बट कोई नहीं। देखो वेलकम टू झारखंड, झारखंड बिहार बॉर्डर यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो हम लोग को पकड़ सकते हैं शायद से, नहीं उन्होंने नहीं पकड़ा मुझे। यहाँ पे मेरे को इस जगह पे पकड़ा गया था, ठीक है, आते समय। बस कोई डरने वाली बात नहीं है, अपना पेपर सही रखो और कुछ भी गाड़ी में इलीगल सामान मत लेके जाओ, ठीक है, बस। और कोई चाप नहीं है, आराम से जाओ। हाँ लाइसेंस मस्ट, इधर में वो वाला सीन नहीं रहेगा, सोर्स लगाओगे छूट जाओगे, ठीक है। इधर में दिक्कत हो जाएगा क्योंकि दूसरा स्टेट में हम लोग, यहाँ का नियम पालन क्या है कोई जानता नहीं है, वही बात है। तो अगर सब कुछ परफेक्ट है तो ही निकलो, अदरवाइज मत निकलो, दिक्कत हो जाएगा। अगर खिलाड़ी हो तो फिर बात अलग है। तो भाई ये झारखंड में यही मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे मतलब पहाड़ वहाड़ की वजह से बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हो। थोड़ा फॉग की वजह से नहीं दिख रहा है बट आप लोग समझ सकते हो, इतना अच्छा लगा देखो जंगल के बीच। देख रहे हो रोड, देखो भाई जंगली जंगल। ये लोग दोनों एक साथ जाया जा रहा था, मतलब क्या बोलूं, 5 मिनट से दोनों एक साथ जा रहा है, ना किसी को जाने दे रहा पीछे वालों को, और ये सला और ये कसम खा लिया ये लोग आगे नहीं बढ़ने का, वहां जला दिया भाई। मतलब दोनों एक साथ जा रहा है और ना पीछे वाला गाड़ी को पास दे रहा है, आराम से जा रहा है धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है कि दोनों सला प्लान किया, मस्ती कर रहा हम लोग के साथ। ये व्हाइट एंड ब्लैक, ये देखो पूरा ब्लैक हो गया है। तो इधर में झारखंड में कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है, कोयला झारखंड में,
वही बात है, झारखंड में कोयला बहुत मिलता है इसलिए इधर में से कोयला बहुत जाता है गाड़ी से, तो उससे ये हो गया। ठीक है, और आप लोग झरिया कोल सुने ही होंगे, ये झारखंड में ही है, मैं वहाँ पे गया था भाई। मैं यहाँ पे आधा घंटा से फंसा हूँ, ये टोल प्लाजा पे देख सकते हो, रसोईया धामना कुछ जगह टोल प्लाजा का नाम है। और मैं एक जन को बोला था कि रिचार्ज मार देना, ठीक है, तो वह मैं आते गया, तीन टोल पार कर दिया, हमको लगा मार दिया होगा, ठीक है, उतना चेक कौन करता है, आके यहाँ फंस गया साला, ब्लैक लिस्ट में आ गया। ठीक है, पैसा डालने के बाद भी रुकना पड़ रहा है, हम आधा घंटा से यहाँ बैठे हैं भाई, सच्ची बता रहे हैं, पूरा दिमाग खराब हो गया भाई। ये भी आप लोग रिचार्ज कर लेना पहले, लॉन्ग पे जा रहे हो फंस जाओगे बहुत देर तक, रिचार्ज मार लेना, ठीक है, तब निकलना। भाई आ गया है, जैसा कि हमेशा मैं रुकता हूँ जब से आते समय जाते समय गन्ना का रस पीने, तो अभी मैं पीछे का माहौल दिखाता हूँ आपको। देख लो भैया गन्ना का रस बना रहे हैं, एक किनार ज्यादा नहीं, भाई काफ़ी सुंदर जगह है यहाँ पे, देख सकते हो, बस ये दिन में काफ़ी सुंदर है, रात में डेंजरस है क्या भैया। तो भाई टेस्ट करते हैं इसको अभी, भैया बहुत मीठा है, हम आए थे एक महीना पहले तो उतना खास मीठा था नहीं, नहीं पहले नहीं था, अब हो गया, अब हो गया ना। अगर आप मेरा आने वाला जो ब्लॉग देखे होगे तो उसमें वो जो आदमी जो बेच रहा था वो बोला था कुछ दिन बाद आइएगा तो बहुत मीठा मिलेगा, और एक महीने बाद आ रहा है सबसे बहुत मीठा है, मीठा है ना। कोरहर चलिए भैया जी आते हैं। हाँ भैया ठीक है एकदम। अरे बैठते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत बढ़िया है यार सच में, मैं मतलब ऐसे ही बोला था भैया, मैं ऐसे ही उनको बोला था भैया मेरे पास ऑनलाइन नहीं है तो अब क्या करें, तो बोले कोई बात नहीं आप आए वही बहुत है, ऐसे बोल रहा भाई, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं ऐसे। तो भाई अभी कंटिन्यू करते हैं यहाँ से कोरहर से, अब तो अभी बज रहा है 11, तो ये रोड देख लो भाई, भाई बज रहा है अभी 12 और हम लोग देखो कहाँ पर हैं, 12 बज गया और देख सकते हो आप, भाई हम लोग धनबाद में पहुँच गए हैं, अभी चलते हैं, मुँह एकदम चोखा हो गया चलाते चलाते। तो भाई देख सकते हो मैथन टाइम हम लोगों ने पार कर दिया है और वेस्ट बंगाल में हम लोग ढुक चुके हैं। तो भाई अभी बज रहा है 1 और मुंह एकदम चोखा हो गया है चलाते चलाते, और अभी कहीं देख के खाना खाएंगे। ठीक है, ये आसनसोल और यहाँ पे हम लोग हैं आसनसोल, और ये जो देख रहे हो ना ब्रिज के नीचे इधर ही लिखा रहेगा ये जो जा रहा है बस इधर जा रहा है आसनसोल। ठीक है, तो उधर से अगर आओगे तो इस तरफ चले जाओगे तो आप चले जाओगे आसनसोल, तो मैं दिखाता हूँ आपको आसनसोल, वेट लिखा रहेगा वेलकम टू आसनसोल। अरे गाइस लग रहा है वो बोर्ड हटा दिया है, लेकिन यही आसनसोल है, अभी चलते हैं अभी यहाँ से दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर से फिर बर्धमान, बर्धमान से फिर पाकुड़िया फिर। ठीक है, उस बंदा को देखो 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 भाई, मैं देखो कितना पे जा रहा हूँ, मैं 100 पे हूँ, और वो कौन सा हीरो का गाड़ी लिया है देखो भाई, ये पल्सर वाला है, ये रेस खेला, ठीक है, मैं 120 पे जा रहा हूँ, देखो 120
एंड पल्सर 150 या फिर हाँ 150 है ये वो पल्सर, ये हीरो स्प्लेंडर को नहीं हरा पा रही है भाई, गजब अचीवर है। सॉरी ड्राइवर डिपेंड करता है, गाड़ी कोई सा भी हो कोई चाप नहीं है, ड्राइवर डिपेंड करेगा गाइस। तो भाई 1:40 हो रहा है और दुर्गापुर पार कर दिए, ये रहा दुर्गापुर का टोल प्लाजा। अभी तक कुछ खाया नहीं है भाई, सच्ची बोल रहा है, अजीब सा फील हो रहा है। तो भाई देखो ड्यूक रेस खेलना चाहता है एंड काफी स्पीड आ रहा है वो, उसको जाने देते हैं देन उससे थोड़ा मस्ती लेंगे। ड्यूक आज से अगर साइड मिरर में दिख रहा होगा तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा तो बात अलग है मेरे बाहर। एंड आ रहा है ड्यूक, जा रहा है ड्यूक, या गजब। अब थोड़ा ड्यूक को हरा दिया जाए ठीक है, तब तक यार ऐसे करेंगे यार। टानो ड्यूक, टानो ड्यूक 250 है ना, हाँ टानो, लेट्स सी। आ देखे जरा इसमें कितना है दम, ड्यूक उड़ रहा है भाई, उड़ रहा है भाई, भाई ड्यूक को हरा दिया जाए, हरा दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसे नहीं हराएंगे, थोड़ा उसको खिलाएंगे। भाई लगभग बर्दवान की तरफ आ गए हैं, बर्दवान यहाँ से 2-3 किलोमीटर है और थोड़ा फ्यूल लेना था, तो अब लगभग मेरा घर यहाँ से समझ लो 100 या फिर 90 किलोमीटर है ठीक है, तो यहाँ फ्यूल ले लेंगे उसके बाद डायरेक्ट घर जाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि खाना अपना भाई लोग के साथ होटल में खाऊँ ठीक है, जो लोग घर पे हैं उन लोग के साथ, तो अभी देखते हैं क्या। ऐसा सीन है भाई देख सकते हो, हाँ बर्दवान पेट्रोल पंप पे आया हूँ गाइस। तो भाई लगभग अभी जाके थोड़ा मुंह धो लिया ठीक है, थोड़ा सा मुंह कैसा लग रहा था नीम नीम टाइप में थोड़ा ठीक है, आँखों को थोड़ा बंद हो रहा था इसलिए थोड़ा मुंह धो लिया यहाँ पे। और यहाँ से बर्दवान में रुकेंगे, लैंचा वंचा लेंगे ठीक है, फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं, भूख लगा है, भाई लोग के साथ होटल में खाना खाएंगे घर जाके। देख लो कितना डेंजरस है, देखो कितना टेढ़ा हो गया है, टिल्ट हो गया इस साइड पे, देखो कैमरा में उतना नहीं समझ में आ रहा लेकिन अगर रियल में देखोगे तो डर लग जाएगा। देखो गाड़ी से देखो, देख रहे हो कितना हाइट है उस गाड़ी का, हाँ चलो उसको ओवरटेक करने में डर लग रहा है। आ गए यहाँ पे लंचा बगान, उस पर रुकते हैं या फिर आगे रुकें समझ में नहीं आ रहा है भाई, चलो आगे रुकते हैं, इस पे वाला रुक जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं कुछ खाऊंगा नहीं, बस चाय पीऊंगा गाइस। और बड़ा वाला कौन सा है बोला दे, ये तो बड़ा। कितना का है वो? 20 रुपया निकल, 20 तो पैक कर दी। अरे वाह, देखो वो प्रेस होता है एंड चिपक जाता है उस पर, अच्छा सा पैक हो जाता है मशीन से। लंच काफ़ी सही है, बहुत सही लगा खा के। अकेले राइड कर रहे हो तो अपनाना पड़ेगा, थैंक यू भैया। यहाँ पर चाय लिया मैंने एंड इस दुकान में रुके हैं, 440 किया भैया, 10 का चिप्स दे दीजिए एंड लो ये पेट्रोल
पता नहीं किसका फैक्ट्री है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्ट्री है। देखो इतना दूर अभी तक चल ही रहा है। चलाते हालत खराब हो गया भाई, सच में बैक पेन हो रहा है, मतलब एक ही जगह बैठे बैठे ना बैक पेन हो रहा है। चलो तो भाई देख सकते हो जो ब्रिज है ना, यही सिंगूर है, तो सिंगूर आ गए और बज रहे अभी 4। तो यहाँ से और 20 किलोमीटर होगा मेरा घर, 20 से 30 किलोमीटर। तो सिंगूर आ गए, देख लो लिखा हुआ सिंगूर। ये आ गए सलफ, देख सकते हो। और यहाँ पे मैं यूटर्न लूंगा। तो भाई आ गया घर, और आज देखना है बुक्कू जो मेरा डॉगी है, उससे 1 महीना से ज़्यादा ही हो गया उससे मिले। देखते हैं वो चीन मतलब मुझे पहचान पाता है कि नहीं, ठीक है। तो वो बाहर खड़ा कर दिया मैंने फ़ोन करके भूल के, वो बाहर है, तो देखेंगे रिएक्शन क्या होता है। एंड यहाँ देखो बजरंग बली का मंदिर, दर्शन कर लो आप लोग सब कोई। एंड हम लोग आ गए घर भाई, तो मेरा दोस्त लोग आ गया है मिलने। रुका रुका क्यों, कागज दो, कागज गाड़ी का कागज दो, लाइसेंस है तुम्हारे पास? ना भैया, गाड़ी साइड करो, गाड़ी साइड करो। सर इधर आइए सर, साहब मेन साहब के मत बोला, कुछ पैसा ले ला हम। गाड़ी साइड करो, साइड करो गाड़ी, पैसा वैसा नहीं जानते हैं, गाड़ी का कागज ला, लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस गाड़ी साइड करो, पहले गाड़ी साइड करो। One dugu with another dugu. एक महीना बाद देखा है, एक महीना ज्यादा, एक महीना 16 को गया था, आज है 28। आज इसके लिए क्या लाया, क्या लाया इसके लिए? इसके लिए तो कुछ नहीं लाया। कितना मोटा हो गया।